जिस पर आप देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर के अंदर 2020 के अंदर सिल्वर की लेयर चढ़ी हुई थी, 2023 के अंदर उसको गोल्ड में तब्दील कर दिया गया था लेयर को, और 2023 के बाद उन्होंने उसको पीतल में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित हैं संतोष त्रिवेदी जी, उनका खुद का बयान है कि उस लेयर को 2023 में जो गोल्डन में परिवर्तित थी उसको इन्होंने पीतल में कन्वर्ट कर दिया है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। उसके विरोध में युवा कांग्रेस आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंक रही है। इस प्रकार आप देख रहे हैं राज्य के अंदर लगातार भू माफियों का वर्चस्व बढ़ रहा है और बाहर से अन्य प्रदेशों के जो लोग आकर के हमारे भारत देश के लोगों के घर में घुस करके उनकी जमीनों पर कब्जा ले रहे हैं। पूर्व में पहाड़ के हमारे पूर्व सैनिक का घर में घुस के हत्या कर दी गई, जिसमें अभी तक मुख्यमंत्री का कोई भी ऑफिशियल जवाबदेही नहीं हुई है और ना ही उसको उनका बयान आया है। लगातार अंकिता भंडारी जैसे आरोपियों को अंकिता भंडारी के आरोपियों को पुलिस प्रशासन और सरकार उनके आरोपियों को बताने का काम कर रही है। अग्निवीर सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तराखंड का युवा है। इसके बावजूद भी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के लोगों के लिए, लोअर क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और बड़े बड़े जगह जगह आपको होल्डिंग मिल जाएंगे कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के इन्वेस्टरों की पहली पसंद उत्तराखंड। इस प्रकार से उत्तराखंड के भू कानून माफियों को आगे करा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।